Hello everyone, I am Dr. S.K. Rajan. I am Chief of Neurospine Surgery and Additional Director of Neurosurgery at Artemis Hospital, Gurgaon. आज हम बात कर रहे हैं स्पाइन के बारे में और स्पाइन से जुड़ी परेशानियों के बारे में. अक्सर देखने में आता है कि काफ़ी लोग स्पाइन की परेशानियों से पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि उनको कहाँ जाना चाहिए और उनका क्या इलाज है. और उसका अक्सर कारण ये है कि क्योंकि ऑलमोस्ट सोसाइटी में देखा गया है कि स्पेशलिस्ट कम है और जनरल डॉक्टर ज़्यादा हैं. तो आई एम प्राउड टू अनाउंस कि आर्टेमिस हॉस्पिटल में स्पाइन जो सर्जरी या स्पाइन की ट्रीटमेंट है वो लगभग 1.5 दशक से हो रही है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट के साथ हो रही है. स्पाइन की प्रॉब्लम आमतौर पे लोग लेके आते हैं या तो कमर का दर्द या गर्दन का दर्द. कभी कभी गर्दन का दर्द हाथ में आता है, कभी कभी कमर का दर्द पैर में आता है, जिसको हम शैटिका बोलते हैं. सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स तो यही होती हैं और इनमें अक्सर देखा गया है कि दवाइयों से ही हम मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को मैनेज कर लेते हैं. यानी कि कुछ हद तक फिजियोथेरेपी, कुछ परहेज़, कुछ दवाइयाँ, इन सब का जो मिश्रण है वो 90% से ज़्यादा पेशेंट्स को ठीक कर देता है. कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो या तो बहुत एडवांस डिजीज़ के साथ जूझ रहे हैं या उनका जो ट्रीटमेंट है वो ठीक से नहीं हुआ, इसलिए उनकी परेशानी ठीक नहीं हुई और उनके MRI में कुछ ना कुछ बहुत एडवांस दिखा रहा है दवाओं के रूप में. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को कभी कभी कोई या इंजेक्शंस या सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि स्पाइन सर्जरी. और जब स्पाइन सर्जरी की बात आती है तो अक्सर लोगों के मन में डर रहता है कि क्या स्पाइन सर्जरी आज की तारीख में सेफ़ है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ किस्से सुने होते हैं जहाँ पे पेशेंट को फ़ायदा नहीं मिला या नुकसान हो गया. तो उसका ये कारण ये भी रहता है कि काफ़ी लोगों की जो सर्जरीज हैं वो छोटे सेंटर्स में, छोटे हॉस्पिटल्स में या छोटे शहरों में होती हैं, जहाँ पे वो सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे उस टाइप की ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, टीम वर्क नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है जो आज की डेट में स्पाइन सर्जरी को सक्सेसफुल बनाती है. तो आई एम प्राउड टू से कि आर्टेमिस हॉस्पिटल में हम न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में हमारे पास लेटेस्ट टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. चाहे उसको न्यूरो मॉनिटरिंग की बात करें जो एक ECG की तरह आपके नर्व्स को स्टडी करती है ड्यूरिंग सर्जरी ताकि कोई नर्व डैमेज ना हो, और या हो माइक्रोस्कोप्स जो हमारे नर्व्स को बहुत बड़ा और क्लियर दिखाते हैं ताकि नर्व की डैमेज ना हो. एंड आई एम वी आर लकी कि हमारे पास जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है उसमें लगभग सभी के सभी जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रेन न्यूरोसर्जन्स हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का नर्व की हैंडलिंग में एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है कम्पेयर टू अदर डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग स्पाइन सर्जरी. और उसका ये फ़ायदा हमें मिलता है कि नर्व रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जिससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं उसकी संभावना सबसे कम हो जाती है. टेक्नोलॉजी है जिसने आर्टेमिस हॉस्पिटल में हम लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट देने में मदद की है, वो है मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी. आज की तारीख में जो एक बड़ा चीरे वाले ऑपरेशन है वो काफ़ी कम हो गए हैं और दूरबीन के ज़रिए, छोटे छोटे कट के ज़रिए हम काफ़ी पेशेंट्स को वही फ़ायदा दे पाते हैं जो ओपन सर्जरी से उनको मिलता है. लेकिन उसमें जो ओपन सर्जरी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी कम हो जाती हैं, चाहे वो ज़्यादा ब्लड लॉस है, चाहे वो दर्द है, चाहे वो इन्फेक्शन है. तो आजकल कीहोल सर्जरी के ज़रिए हम ट्यूमर्स भी निकाल सकते हैं और लोगों की स्पाइन को भी फिक्स कर सकते हैं. तो उसको बोलते हैं मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी. इसमें भी काफ़ी एडवांसेस आज की तारीख में देखने को मिले हैं जिससे स्पाइन सर्जरी काफ़ी सेफ और सक्सेसफुल हो गई है. एक और बीमारी ऐसी है जिसके लिए काफ़ी दूर दूर से पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्कोलियोसिस. स्कोलियोसिस यानी कि जैसे कि कुब का निकलना मरीज़ के. अक्सर देखने में आता है कि बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो उनकी स्पाइन कभी कभी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है. अक्सर पेरेंट्स जो हैं इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर बच्चा आगे झुक के अपने पैर टच करने की कोशिश करे और उसकी कमर सीधी ना हो, एक एंगल पे टल्ट हो जाए, इसका मतलब उसको स्कोलियोसिस है. ऐसे सिचुएशन में डर ये रहता है कि अगर हम उसको टाइमली ट्रीट ना करें तो फ्यूचर में वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, सांस की परेशानी, कोई और परेशानी भी क्रिएट कर सकता है. तो ऐसे सिचुएशन में उसको सीधा करना बहुत ज़रूरी होता है. तो ऐसे केसेस को भी हम लोग अक्सर देखते हैं और ऐसे सर्जरीज में हम लोगों को जितनी कामयाबी आज की डेट में देखने को मिल रही है वो स्मॉलर सेंटर्स में या स्मॉलर टाउन्स में नहीं देखने को मिलती. तो इस बीमारी को कहते हैं स्कोलियोसिस और इसके परिणाम भी आज की तारीख में बहुत सेफ एंड सक्सेसफुल हो गए हैं. सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, शैटिका, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस और स्कोलियोसिस के अलावा भी और बीमारियाँ हैं जो एक स्पाइन सर्जन की डोमेन में आती हैं, जैसे कि स्पाइन की TB या फ्रैक्चर हो जाना, जैसे बुजुर्ग लोगों में कभी कभी हड्डी टूट जाती है या फिर कोई नसें दब जाती हैं किसी ट्यूमर की वजह से, कोई गांठ हो कमर के अंदर या फिर टेढ़ापन आ जाना कोई और कारण की वजह से. तो ये सब भी हम लोग एज स्पाइन सर्जन ट्रीट करते हैं. और अगर हम
कोई पूछे कि किस टाइप की सर्जरीज सबसे कॉमनली हमारे यहाँ की जाती हैं, वो है डिस्क सर्जरी यानी कि डिस्क्रेक्टमी और स्पाइनल फिक्सेशन और डिफॉर्मिटी करेक्शन और ट्यूमर एक्सीजन। ये सब चीज़ें थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हमारी ट्रीटमेंट्स को मोस्टली डिफाइन करते हैं। तो यही कुछ टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आज की डेट में हम मोर देन 95-97% सक्सेस दे पा रहे हैं पेशेंट्स को। और मैं तो यही कहूँगा कि इन सुविधाओं की वजह से ही पेशेंट्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है इन द पास्ट। लगभग एक डेकेड हो गया मुझे हॉस्पिटल में और हम लोग देखते हैं वर्ड ऑफ माउथ से कि पेशेंट्स का नाम सुनते हुए आते हैं। और उसका रीज़न यही है कि आर्टमिस हॉस्पिटल का को ले लीजिए या उसमें टेक्नोलॉजी ले लीजिए या उसकी जो टीम वर्क है हमारा उसको ले लीजिए, तो ओवरऑल रिजल्ट्स हम लोगों के साल ब साल बेटर होते जा रहे हैं।